हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। जैसा कि आपको पता ही है, अभी मैं कंप्यूटर सब्जेक्ट क्लास थर्ड की सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक को चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करके उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताऊंगी। पिछले अध्याय में हमने चैप्टर 1 कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के पार्ट्स को देखा था। हार्डवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, ये तीनों टॉपिक्स पे हमने डिस्कस की थी और आपको समझाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे जाकर अवश्य देखिए। तो आज हमारा चैप्टर 1 का ही पार्ट 2 हम देखेंगे, सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है, इन सभी पर आज हम डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम कॉल्ड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रोग्राम का कलेक्शन होता है जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इट टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू, यह हमें बताता है कि कंप्यूटर क्या करता है। वी कैन नॉट टच एंड फील सॉफ्टवेयर, हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते हैं। विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर इज यूजलेस, बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर्स के हार्डवेयर यूजलेस होते हैं, अर्थात उसका कोई भी उपयोग नहीं होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं। पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू डू स्पेसिफिक टास्क और पार्टिकुलर प्रॉब्लम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि पार्टिकुलर व स्पेसिफिक काम को कर सकें या पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। सच एज MS Paint सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर ड्राइंग, जैसे कि MS Paint सॉफ्टवेयर को ड्राइंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। MS Word इज यूज फॉर टाइपिंग, MS Word को टाइपिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। कैलकुलेटर इज यूज फॉर कैलकुलेशन, कैलकुलेटर को कैलकुलेशन करने के लिए। एंड विंडो मीडिया प्लेयर इज यूज टू वॉच मूवी एंड वीडियो एक्सेट्रा, और विंडो मीडिया प्लेयर को हम यूज़ करते हैं मूवी देखने के लिए एंड वीडियो देखने के लिए। बिलो द पिक्चर्स ऑफ सम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नीचे हम कुछ सम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखते हैं। पेंट सॉफ्टवेयर, कैलकुलेटर, MS Word, गेम्स, म्यूजिक प्लेयर एंड एनिमेशन, ये सारे सॉफ्टवेयर जो है ये सॉफ्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो बच्चों, हमने जाना है कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं, जैसे कि MS Paint का यूज़ हम ड्राइंग करने के लिए करते हैं, MS Word का यूज़ हम टाइपिंग करने के लिए करते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ हम कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं, एंड गेम्स का यूज़ हम गेम्स खेलने के लिए, म्यूजिक प्लेयर, एनिमेशन, ये सब चीज़ हम विंडो मीडिया प्लेयर पर करते हैं और उसके माध्यम से हम मूवी या वीडियो देखते हैं। तो आगे हम देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प अस टू रन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर मदद करता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सिस्टम को रन करने में। व्हेन वी स्टार्ट द कंप्यूटर, जैसे ही हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर आल्सो स्टार्ट विथ इट, सिस्टम सॉफ्टवेयर इसके साथ स्टार्ट हो जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लाइक मैनेजर ऑफ कंप्यूटर, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स की मैनेजर की तरह होता है। कंप्यूटर की मैनेजर की तरह कौन होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट हेल्प्स टू मैनेज ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक्टिविटी, यह क्या काम करता है, मैनेजर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, यह मदद करता है कंप्यूटर्स के सारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक्टिविटी को मैनेज करने में। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक, OS, लाइनक्स आर सम फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल्स है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक, OS एंड लाइनक्स आर सम फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अब इसको हम देखेंगे, विंडो 10, मैक OS एंड लाइनक्स, ये सारे क्या हो गए हमारे
system software. The most common operating system used in PC is Windows. Around 60% user use the operating system. PC Windows में लगभग 80% users operating system को use करते हैं. अब हम देखेंगे difference between hardware and software. ये हमारे क्या हो गए, software और ये hardware. ठीक है, तो hardware and software में क्या difference है ये अब हम पढ़ते हैं. Software and hardware. A collection of program is called software. Program के collection को software कहते हैं. And physical parts of computer is called hardware. और computer के physical parts को हम hardware कहते हैं. Physical parts कौन कौन से हो गए बच्चों computers के? Mouse, monitor, keyboard, CPU. ये सारे क्या हैं? Computers के physical parts हैं जिसे हम hardware कहते हैं. Second, we can touch and feel software. We cannot touch and feel software. हम software को touch नहीं कर सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं. We can touch and feel hardware. जबकि हम hardware को क्या है? Touch करके देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं. Three, software is weightless. Software का कोई weight नहीं होता है. Hardware was weight. Hardware का क्या होता है? Weight होता है. Four, application and system software are the types of software. Software के two types होते हैं, application and system software. Input, output and processing device are types of hardware. Hardware के तीन types हो गए, input, output and processing device. ये तीन parts hardware के types हो गए. Virus can attack on software. Virus सॉफ्टवेयर पर अटैक करता है. वायरस कैन नॉट अटैक ऑन हार्डवेयर. जबकि हार्डवेयर पर वायरस अटैक नहीं करता है. विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर इज यूजलेस. बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर हार्डवेयर का कोई भी यूज नहीं होता है. सॉफ्टवेयर वर्क्स ऑन हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर वर्क करता है हार्डवेयर के ऊपर. ठीक है, यानी हार्डवेयर के अंदर. यानी हार्डवेयर क्या है हमारा? CPU, मॉनिटर, माउस एंड कीबोर्ड. तो CPU के अंदर हम सॉफ्टवेयर को डालकर कंप्यूटर्स पर हम काम कर सकते हैं. अर्थात सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पर काम करता है. अब ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो गए हैं. इसके क्विक रिव्यू टू द पॉइंट्स हम देखेंगे. बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड CPU. इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? कंप्यूटर्स के मेन बेसिक पार्ट्स होते हैं मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड CPU. कंप्यूटर सिस्टम इज डिवाइडेड टू पार्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सिस्टम को हम दो भाग में बांट सकते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस. कंप्यूटर हार्डवेयर को हम तीन भागों में बांटते हैं, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर एक्सेट्रा. CPU इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस. CPU को हम प्रोसेसिंग डिवाइस भी कहते हैं. आउटपुट डिवाइस आर मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन एंड स्पीकर. आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हो रहे हैं बच्चों? मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन एंड स्पीकर. सॉफ्टवेयर आर टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हो रहे हैं? टू टाइप्स के. कौन कौन से? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है. विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इज यूजलेस. बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर यूजलेस है. अर्थात इसका कोई भी उपयोग नहीं हो सकता है. तो हम बुक्स की एक्टिविटी को करेंगे. राइट आई फॉर इनपुट डिवाइस एंड ओ फॉर आउटपुट डिवाइस इज द गिवन सर्कल. मॉनिटर हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस. कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है. माउस हमारा इनपुट डिवाइस है. स्पीकर आउटपुट डिवाइस. हेडफोन आउटपुट डिवाइस. प्रिंटर आउटपुट डिवाइस. स्कैनर इनपुट डिवाइस एंड माइक्रोफोन आउटपुट डिवाइस. हाँ तो बच्चों अब हम देखेंगे एक्टिविटी बुक्स की. एक्टिविटी वन में है राइट आई फॉर इनपुट डिवाइस एंड ओ फॉर आउटपुट डिवाइस इन द गिवन सर्कल्स. ये कुछ डिवाइस के नेम दिए गए हैं जिसमें हमें सर्कल में कौन सा आउटपुट है या कौन सा इनपुट है ये हमें बताना है. मॉनिटर हमारा क्या हो गया? आउटपुट. हेडफोन आउटपुट डिवाइस है.
कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, माउस इनपुट डिवाइस, स्कैनर इनपुट डिवाइस, स्पीकर आउटपुट डिवाइस एंड माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस। अब हम बुक के एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए, टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर वन, विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर, इनमें से कौन कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए मॉनिटर, बी कीबोर्ड, सी टेलीविजन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी टेलीविजन। टेलीविजन कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर टू, विच इज एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए मॉनिटर, बी माउस, सी प्रिंटर। करेक्ट आंसर है इनमें से इनपुट डिवाइस माउस है। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच इज यूज टू रिकॉर्ड एंड स्टोर साउंड इन कंप्यूटर, इनमें से कौन से डिवाइस से हम कंप्यूटर में साउंड को रिकॉर्ड और स्टोर कर सकते हैं। माइक्रोफोन, स्कैनर, स्पीकर। करेक्ट आंसर इज माइक्रोफोन। माइक्रोफोन की मदद से हम कंप्यूटर्स में साउंड को रिकॉर्ड या स्टोर करके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, विच इज़ द प्रोसेसिंग डिवाइस, विच इज़ अ प्रोसेसिंग डिवाइस। ऑप्शन ए सीपीयू, कीबोर्ड, प्रिंटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सीपीयू। सीपीयू को हम प्रोसेसिंग डिवाइस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, राइट ट्रू और फॉल्स इन द बॉक्स। वन, द डिवाइस विच इज यूज टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। जिस डिवाइस का यूज करके हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। यह सही है, गलत है? फॉल्स, दिस इज फॉल्स। ठीक है, दिस इज फॉल्स, इसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। नंबर टू, प्रेसिंग द की ऑन द कीबोर्ड इज कॉल्ड टाइपिंग। कीबोर्ड पर की को प्रेस करने को हम कहते हैं टाइपिंग, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, अ माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस, ट्रू या फॉल्स, दिस इज ट्रू, माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। नेक्स्ट है, द आउटपुट ऑन अ पेपर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी, दिस इज फॉल्स। जब हम पेपर पर आउटपुट निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी, और जब हम मॉनिटर्स पर आउटपुट देखते हैं तो उसको हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी, तो दिस इज फॉल्स। बी यूज इज स्पीकर टू रिकॉर्ड साउंड, दिस इज फॉल्स। साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए हम माइक्रोफोन का यूज करते हैं। सिक्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प टू रन द कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर मदद करता है कंप्यूटर में हार्डवेयर एंड सिस्टम को रन कराने के लिए, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मैच द फॉलोइंग, इनमें से नाम दिए गए हैं एंड इंस्ट्रूमेंट्स के पिक्चर्स दिए गए हैं, इमेज दिए गए हैं, जिसको हमें मैच करना है। कीबोर्ड नंबर वन में है, दिस इज कीबोर्ड। प्रिंटर, मॉनिटर, सीपीयू, माउस एंड स्पीकर। बच्चों आप इसे देख सकते हैं ध्यान से, मैच द फॉलोइंग हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग, नेम एनी टू इनपुट डिवाइस, दो इनपुट डिवाइस का नाम हमें लिखना है, तो कीबोर्ड एंड माउस। नेम एनी टू आउटपुट डिवाइस क्या हो जाएगा, मॉनिटर एंड प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, नेम एनी टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें लिखना है, तो पेंट सॉफ्टवेयर एंड एमएस वर्ड। बच्चों याद होगा पीछे हमने चैप्टर्स में देखा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। एंड नंबर फोर, नेम एनी टू ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें हो जाएगा विंडो 10 एंड लिनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ, आंसर द फॉलोइंग हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर एफ का ये है, व्हाट इज हार्डवेयर। अ कंप्यूटर हार्डवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन टच एंड सी। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज सॉफ्टवेयर।
Computer is a collection of program called software. Next question number 4th है, write any 3 difference between software and hardware. इसका आंसर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में हम डिफरेंसेस देख लेंगे. नंबर 1, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, एंड हार्डवेयर में नंबर 1 में आ जाएगा फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर. 3 डिफरेंसेस बोला जा रहा है, तो इसमें से हम 3 डिफरेंसेस लिख लेंगे. वी कांट टच एंड फिल सॉफ्टवेयर, एंड वी कैन टच एंड फिल हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर इज वेटलेस एंड हार्डवेयर इज वेट. यहाँ तक हम लिख लेंगे, इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा. तो बच्चों, ये चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ये चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है. नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 लेकर आएंगे. अगर इस चैप्टर से संबंधित कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमें एडवाइस दे सकते हैं, फिर मैं उसी के हिसाब से आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी. तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक यू.